भुवन चंद खंजूरी। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा नाम। बतौर सैन्य अधिकारी बीसी खंडूरी ने 1954 से 1990 तक भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेवा दी। अपने कार्यकाल के दौरान वह कई अहम पदों पर आसीन हुए। बतौर मेजर जनरल सेना से रिटायर होने के बाद खंडूरी समाज सेवा से जुड़ गए। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जनता के बीच एक कड़क रिटायर्ड जनरल के तौर पर पहचान रखने वाले खंडूरी ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। वर्ष 1991 में पौड़ी गढ़वाल से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। इनके राजनीतिक जीवन में इन्हें बड़ी उपलब्धि तब मिली जब इन्हें अटल सरकार के नवरत्नों में शामिल किया गया। अटल सरकार में बीसी खंडूरी को राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। वर्ष 2003 में वह कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2007 में उन्होंने भाजपा को उत्तराखंड में बहुमत से जीत दिलाई। इसके बाद वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। वर्ष 2009 में हुए चुनावों में भाजपा एक भी सीट निकालने में असफल रही। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 10 सितंबर 2011 को रमेश पोखरियाल निशंक का स्थान लेते हुए बीसी खंडूरी ने दोबारा सूबे की कमान संभाली। हालांकि 2012 में एक बार फिर राजनीतिक चूक के चलते उत्तराखंड की कमान भाजपा के हाथों से चली गई। खंडूरी को एक बार फिर अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। आज वह बतौर सांसद लोकसभा में उत्तराखंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मिशन 2017 में उनका यह रसूख पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचाता है या नहीं।